एखाद्या निर्णयाचा निषेध आता कशा पद्धतीने व्यक्त करायचा, निषेध व्यक्त करण्याची मुभा किंवा स्वातंत्र्य सुशिक्षित सुसंस्कृत सहिष्णू नागरिकांना आहे का, असा गंभीर प्रश्न, संवेदनशील प्रश्न अभिनेते आणि दिग्दर्शक अमोल पालेकर यांनी उपस्थित केला आहे. मुंबई येथील NGMA मधील कार्यक्रमात सरकारविरोधी बोलले जाऊ नये अशा सूचना होत्या, अशा शब्दात पालेकर यांनी झाल्या प्रकाराचा खरपूस समाचार घेतला. मुंबई नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट येथे प्रभाकर बर्वे यांनी काढलेल्या चित्रांचे प्रदर्शन आयोजण्यात आले होते. प्रदर्शनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात पालेकर यांना आयोजक आणि संस्थेच्या संचालक यांनी भाषणापासून रोखले. हा प्रकार समोर आल्यापासून संतप्त प्रक्रिया उमटत आहेत. त्यानंतर पालेकर यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली आहे. ये जो एक्झिबिशन हुआ जो अभी हो रहा है बर्वे जी का, वो आखिरी इस तरह का रेट्रोस्पेक्टिव होगा. इसके बाद ऐसा कोई, क्योंकि एडवाइजरी कमिटी ही नहीं रहेगी, एडवाइजरी कमिटी नहीं रहेगी उसका मतलब यह हुआ कि कोई बाबू बैठ के वहां निर्णय लेगा, और वो निर्णय किस तरह के होंगे, किस तरह की मॉरल पुलिसिंग उसमें आएगी, किस तरह के कारण उसके पीछे होंगे, जो कोई सरकार होगी उस सरकार का जो एजेंडा है उसके विरुद्ध अगर कहने वाली कुछ बात वहां होगी तो उसके लिए वो मंच उपलब्ध होगा कि नहीं, ये सारे निर्णय अभी पता नहीं क्या है. जो हमको पता चला है वो है कि ये ऐसे अभी नहीं होगा. कौन सी एग्जीबिशन वहां की जाएगी, किस आर्टिस्ट की जाएगी, क्यों की जाएगी, ये निर्णय ये एडवाइजरी कमिटी लेती थी आज तक इतने साल. इसके बाद ये निर्णय दिल्ली में बैठ के कोई बाबू लेगा, तो क्या ये उचित है, यही हमारा सवाल है.